चारिता के एक एक व्यक्ति का नाम लिए बगैर मंच पर उपस्थित हमारे दोस्तों, आज आपसे मिलने का और मुखातिब होने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूट का शुक्राना अदा करता हूँ और इसका शुक्रगुजार करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि किन बातों से इन बातचीत की शुरुआत की जाए। मुझको लगता है कि आज इतिहास की जिस घड़ी में हम खड़े हैं, वहाँ दो तरह की स्थिति हमारे सामने उपस्थित है। एक तरफ तो विज्ञान और तकनीकी के चमत्कार ने मनुष्य को इतना ताकतवर बना दिया है कि उसके कान इस ग्रह के दूसरे हिस्से में बोले गए शब्द सुन सकते हैं और उसके हाथ चिड़िया के पंख से भी ज़्यादा तेज हो गए हैं और वो महासमुद्रों की यात्रा करके इधर से उधर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। वो रेगिस्तानों को बदल रहा है, नदियों को बांध रहा है, पहाड़ों की ऊंचाइयां नाप रहा है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सभ्यता के विकास की इस प्रक्रिया में हम अभी तक एक ऐसे इक्विटेबल समाज का सपना नहीं पूरा कर सके हैं जिसमें सबके लिए समता हो, सबके लिए स्वतंत्रता हो, सबके लिए न्याय हो, भाईचारा हो, सहिष्णुता हो और ईसा की तरह अनंत करुणा और क्षमा से भरा हुआ हृदय हो। इन बातों को अभी तक हासिल नहीं किया जा सका। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कौन सी स्थितियां हैं जो इन तमाम बातों के लिए जिम्मेवार है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आइडेंटिटी चाहता है, वो अपना पहचान चाहता है। इस अनंत ब्रह्मांड में अगर कहीं छोड़ दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो मुझको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं अपने लिए एक आइडेंटिटी तलाश लेता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं झारखंड के किसी हिस्से में जिस जगह का नाम डांटन में है वहाँ का रहने वाला हूँ और पृथ्वी हमारा कॉमन होमलैंड है और उस पृथ्वी के हिस्से का नाम हिंदुस्तान है। कहने का गर्व यह है कि एक ही मनुष्य कई किस्म की अस्मिताओं में घिरा हुआ होता है। वो माँ होता है, पति है, वो बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, प्रेमिका भी होती है, पता नहीं कितने उसके रूप होते हैं। लेकिन आजकल हमारे मुल्क के अंदर एक कंप्रेस्ड आइडेंटिटी का खेल चल रहा है। कंप्रेस्ड आइडेंटिटी से क्या मतलब? एक आदमी ये बहुत घमंड के साथ कह सकता है कि हाँ, मैं आस्था से एक ईसाई हूँ, मैं आस्था से एक मुसलमान हूँ, मैं आस्था से एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन इस सारी आइडेंटिटी को कंप्रेस कर, कंप्रेस्ड आइडेंटिटी का एक ऐसा खेल इस देश के अंदर खेलने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत मनुष्य में बिलगाव का भाव पैदा हो रहा है और कुल मिला के एक खास किस्म की वैचारिक तानाशाही की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इस वैचारिक तानाशाही के दौर में हम करेंगे क्या और हम कैसे सोचेंगे, इन सवालों के बारे में विचार करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक तसव्वुर है, भारत एक ख्याल है, भारत एक विचार है, भारत एक आइडिया है जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। ये आइडिया ऑफ इंडिया किस किस रूप में और किस किस शकल में हमारे सामने उपस्थित है। एक आइडिया ऑफ इंडिया हमारे सामने मनुवर्ग के हिंदुस्तान का है जो ब्राह्मणवादी संरचना पर आधारित कास्ट हायरार्की वाले ऐसे समाज का स्वप्न देखते हैं जिसमें जन्म के आधार पर मनुष्य के श्रेष्ठता की घोषणा की जाती है और बाकी तमाम आबादी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है और छुआछूत के भेदभाव से उनको एड्रेस किया जाता है। एक हिंदुस्तान का सपना ये है, एक हिंदुस्तान का सपना, एक हिंदुस्तान का ख्वाब जो भगत सिंह देख रहे हैं, एक हिंदुस्तान का ख्वाब जो गांधी देख रहे हैं, एक हिंदुस्तान का ख्वाब जो नाथुराम गोडसे देख रहा है, एक हिंदुस्तान का ख्वाब जो सावरकर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के इतने ख्वाबों में से हम किस ख्वाब के साथ जाएं, ये एक सवाल हमेशा हमारे सामने उपस्थित होता है। हम आपसे ये पूछेंगे कि असल में ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। व्यापक पैमाने पर सहमति व्यक्त की गई भारत के विचार को कैसे आप व्यक्त करेंगे? मुझको मौका मोटी तौर पर लगता है कि ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हिंदुस्तान का संविधान है जो जन, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर विभेद करने की इजाजत नहीं देता है और कानून के नजर में सबके समानता की घोषणा करता है और साथ ही साथ इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो मुझको लगता है कि यही है हमारा ब्रॉडली
एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया। इस ब्रॉडली एग्रीएबल आइडिया ऑफ इंडिया को थ्रेटन किया जाएगा तो क्या होगा? तब असल में डिप्रेशन के कैसे प्रोसेस का जन्म होता है, दमन के कैसे प्रक्रिया का जन्म होता है, असंतोषों का अर्थ दुश्मनी से जोड़ दिया जाता है। वो भी घर में मेरी पत्नी मुझसे असहमत होती है, मेरे बच्चे मुझसे असहमत होते हैं। सहमति और असहमति असल में वैचारिक प्रक्रिया के चलने की वह आवश्यक शर्त है जिसके आधार पर आप एक निश्चित एग्रीएबल आइडिया तक पहुंच जाते हैं जिसमें सबकी सहमति बन जाती है। लेकिन यह सहमति तानाशाही नहीं होती है। तो डेमोक्रेटिक सहमति और थोपी गई सहमति के बीच का जो फर्क है, आज एक व्यापक सहमति जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमारे लिए व्यक्त किया था, उस सहमति के साथ तो हम हैं, लेकिन हमने हमारे ऊपर एक आरोपित सहमति भी व्यक्त की जा रही है। बोलिए आप किसके साथ हैं? भारत माता की जय। क्या भारत माता की जय की उनको दरकार है इस तरीके से? क्या मैंने कभी अपनी माँ के लिए जयकारा लगाया है? मेरे कहने का गर्ज यह है कि जो मेरे सांसों में बसती है और जो मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा हो, जो मेरे एग्जिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो, उससे अतिरिक्त तौर पर व्यक्त करने के लिए हमको किसी नारे की, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी क्या? माँ से प्रेम के और विभक्ति के लिए एक किसी रिचुअल्स की जरूरत है क्या? वैसे ही भारत से प्रेम करने के लिए शायद किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक रिचुअल्स की मांग कर रहे हैं। क्या अगर भारत से मोहब्बत करते हैं तो आपको भारत के भारत से मोहब्बत का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इस प्रमाण को कैसे जोड़ दिया जा रहा है? इस प्रमाण को जब एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया जा रहा हो तो और भी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों? बाकी जो लोग रहते हैं इस मुल्क में उनका क्या होगा? उनके साथ हम कैसे बात करेंगे? अभी अभी आपके पास दुर्गा पूजा आने वाला है, कलकत्ते में चले जाइए दुर्गा पूजा के मौके पर, पंडालों में वहाँ जैसे नॉनवेज आपको आराम से मिलेगा, लोग देवी की पूजा भी करते हैं और पंडाल के अंदर जैसे बढ़िया से खाना भी खाते हैं। लेकिन चले जाइए हमारे बिहार और झारखंड के अंदर या यहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों के अंदर, वर्जित है, आप नहीं खाइएगा, नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो एक ही हिंदुस्तान में एक ही धर्म के मानने वाले लोग जब इतनी विविधता का प्रदर्शन कर रहे हों तो किसी मोनोलिथिक इंडिया का परसेप्शन हिंदुस्तान को तोड़ने वाला है कि जोड़ने वाला है? इसीलिए नारों में जो चीज़ें हिंदुस्तान को जोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं वे बाद में वो हिंदुस्तान को तोड़ देती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की विविधता का सम्मान करते हुए हम लोगों ने एक संघीय ढांचे का निर्माण किया और हिंदुस्तान को एक फेडरल रिपब्लिक डिक्लेयर किया। फेडरल रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान के मल्टी लिंगुअल कंट्री, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री के अंदर रहने वाले भूभाग के लोगों ने एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट है? हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक कॉमन इच्छा का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसी के आधार पर हम अपना मुल्क चलाएंगे। लेकिन ये जो पूरा फेडरल परसेप्शन है, ये जो पूरा संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे को आप नष्ट करने की तैयारी करते हैं और सबको एक तरह से भारत माता की जय का के जब सवाल सबको आप दबाते हैं, आपको नहीं मालूम है कि आप उत्तर पूर्व के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के अंदर बड़े सारे इलाके में अभी भी स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट जैसे लागू करके रखा गया है। क्या ये सहमति के आधार पर बना हुआ हिंदुस्तान है या जबरदस्त सहमति लेने की कोशिश है? ये सहमति पैदा कैसे होती है? जब आप इच्छाओं का सम्मान करते हैं, जब आप संविधान का सम्मान करते हैं, तो अपने आप के खास किसी की सहमति का जन्म होता है और सब उस पर मां देख रहे हैं। तो ये पूरा एग्रेशन का लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ एग्रेशन, दम्भ की भाषा, वर्चस्व की भाषा, कैसी होगी हमारी भाषा, इससे भी बात करने की बहुत जरूरत है। आजकल हमारी भाषा हमको दम्भ की ओर ले जाती है, वर्चस्व की भाषा हम आजकल बोलने लगे हैं। भारतीय बॉलरों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। हम लोग तो ये जानते थे कि दो खिलाड़ी टीमें जब मैदान में मिलती हैं तो हार और जीत से परे वहाँ संबंधों के सेतु का निर्माण होता है,
और मित्रता बढ़ जाती है। पर हम कहते हैं हार को भी पॉजिटिव तरीके से लेने को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। लेकिन इस भाषा शास्त्र ने कहां पहुंचा दिया हमको, भारतीय बल्लेबाजों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और टीवी पे आप देखिएगा इनका रण क्षेत्र से, उस रण को जिसको रण कहते हैं, रण बना दिया, नहीं वो युद्ध की भूमि हो गई, शांति की भूमि, सौहार्द की भूमि, प्रेम की भूमि, देखते देखते जो है वो रण की भूमि में तब्दील हो जाती है। ये है एग्रेसिव लैंग्वेज का कमाल। और जब पॉलिटिक्स ही इस एग्रेशन को इंडोर्स कर रहा हो और उस इंडोर्समेंट के लिए जो वो बिंब गढ़ता हो, 56 इंच, 58 इंच, 59 इंच, 60 इंच हो, कहने का मत सुपर ह्यूमन मैस्कुलीन एंटी फीमेल पूरा जो परसेप्शन बढ़ा जा रहा है इस देश के अंदर, पूरा एंटी फीमेल परसेप्शन बढ़ा जा रहा है। उस परसेप्शन से लड़ना विद्यार्थी की हैसियत से, हिंदुस्तान के एक नागरिक की हैसियत से आपके प्राथमिक दायित्वों में से एक है। इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। कब आप एग्रेशन का लैंग्वेज बोलने लगते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। क्या होता है, ये एग्रेशन का लैंग्वेज जब ट्रांसलेट होता है जिंदगी में, इसका ट्रांसलेशन कैसा होता है? मुहर्रम के मौके पर निकलिए, रामनवमी के जुलूस के मौके पर निकलिए, 2-3 बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार हैं, माथे पर पटका बांधे हुए हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, और वो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर जब कस के दबाते हैं तो शरीफ आदमी दुबक के जैसे कहीं रास्ते में चल रहा होता है तो वो दीवार से सट के खड़ा होता है कि कहीं धक्का ना मार दे, और अपने ही बच्चे उनसे पहचाने नहीं जाते और अपने ही बच्चे उनसे पहचाने नहीं जाते हैं। कैसा मुल्क बना दिया है हम लोगों ने, जिस मुल्क के अंदर आप अपने बच्चों को पहचान ही नहीं पाते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। मैं अक्सर लोगों से ये कहा करता हूँ कि अगर आपको कि किस बात से डरते हैं, चलिए बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के संविधान को छोड़ दीजिए, सेक्युलरिज्म को छोड़ दीजिए, दया और करुणा के मूल्य को छोड़ दीजिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो सोचिए आपका बेटा जो 16 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, किसी दिन रामनवमी के जुलूस में या मुहर्रम के जुलूस में शरीक होता है और जुलूस के समय में भगदड़ मचती है, भगदड़ के समय में जुलूस निकलता है और उस जुलूस में आपका बच्चा भी शरीक है, जो गया था वो आपका मासूम बेटा था, जो लौट के आया है उसके हाथ में खून के धब्बे हैं, किसी और चीज से डर नहीं लगता है तो अपने बच्चों के कातिल हो जाने से। गया था वो आपका मासूम बेटा था, जो लौट के आया है उसके हाथ में खून के दाग है, तो अगर आपको और किसी चीज से डर नहीं लगता है तो कम से कम अपने बच्चों के कातिल हो जाने से डरिए। ये लैंग्वेज एग्रेसिव जो है, ये भाषा जो है दम्भ की भाषा, ये जो वर्चस्व की भाषा है, ये भाषा आखिरकार मनुष्य को यही पहुंचाती है। और इसीलिए आज जिस हिंदुस्तान के अंदर लहर है, उस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे चीजों की रक्षा की जरूरत है। किनसे रक्षा कीजिएगा और किस चीज की रक्षा कीजिएगा? रक्षा करना है मूल्यों का, जिन मूल्यों को अर्जित करने के लिए मनुष्यता ने सदियां लगाई। क्या कहिए, बर्बरता के युग से यात्रा करता हुआ मनुष्य निकलता है, प्रेम की भूमि पे आता है, करुणा की भूमि पे आता है, दया की भूमि पे आता है, और प्रेम दया करुणा के मूल्य को सृजित करने में पीढ़ियां लग जाती है। क्या हुआ उन मूल्यों का, जिन मूल्यों को इतने प्रेम के साथ मनुष्य हासिल किया था और इसके लिए सत्य भी किया था। आप कहेंगे अच्छी बात है तो आप स्वप्न हो गए, क्या स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए? किसी शायर ने कहा था कि हर पाप के बदले खून चुकाना पड़ता है, आंखों के ये शौक बड़े अच्छे हैं। तो ये कोई सस्ती सी चीज नहीं है कि आप सपना देखें। सपना देखने के लिए हिम्मत चाहिए, सपना देखने के लिए साहस चाहिए, सपना देखने के लिए कल्पनाशीलता चाहिए,
और सपना देखने के लिए मनुष्यता के विजय में अनन्य आस्था चाहिए, बहुत गहरी आस्था, तब उन सपनों के गर्भ से चीजें निकलती है। और सपने अगर सपने नहीं होते तो उनको हकीकत नहीं कहते। सपनों और हकीकत के बीच में हमेशा एक गैप, ये गैप जो है यही गैप मनुष्य की लीला भूमि है, यही गैप मनुष्य की क्रीड़ा भूमि है, यही कविताओं का जन्म होता है, यही प्रेम के गीत अखवाते हैं, यही जो है सत्याग और बलिदान के मूल्य जैसे सृजित किए जाते हैं। तो ये जो सपने और यथार्थ के बीच का गैप है, अगर सपने भी हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे सपने रहने चाहिए, अच्छे शब्द रहने चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे अच्छे सपनों को, अच्छे शब्दों को हमने विलोपित कर दिया है। तो ये बहुत ही क्रूशियल इतिहास की घड़ी है, बहुत कठिन समय है। हमारे बच्चे जो है रिलीजियस फैनेटिसिज्म के नाम पर पागल हो रहे हैं, नेशनल फैनेटिसिज्म के नाम पर पागल हो रहे हैं। बेशक हम हिंदुस्तानी हैं और इस राज से भक्ति से हमको मोहब्बत है, लेकिन ठीक उन्हीं क्षणों में हम मनुष्यता के अनंत भविष्य में विराट आस्था रखते हैं। और बाहर जाहिर सी बात कि जब हम हिंदुस्तानी हैं तो कालिदास की कविताएं, प्रेमचंद के उपन्यास हमारे लिए ज्यादा परिचित हैं, वो अपने आप में से रखते हैं, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो दूसरे हिस्से में शेक्सपियर भी पैदा हो रहे थे, उसके तीसरे हिस्से में कहीं फ्रांस में एमिल जोला पैदा हो रहा था, कहीं अल्बियर कामू पैदा हो रहे थे, और पता नहीं कितने लोग पैदा हो गए। तो हिंदुस्तानी की हैसियत से जो आपको हिंदुस्तानी लगता है उस पर आपको गर्व करने का हक तो है, लेकिन ये गर्व बोध जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो दुनिया की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके हाथ से छूट जाती हैं, तब आप जैसे अकेले पड़ जाते हैं इस ब्रह्मांड में, और मनुष्य जाति को उस आनंद वैभव और ऐश्वर्य का आप आस्वादन नहीं कर पाते हैं, वो रस आपके जीव तक नहीं पहुंच पाता है। किसी को कोई पॉजिटिव आइडिया किसी नकारात्मकता से घृणा से नहीं शुरू होता, वो जब भी शुरू होगा तो सकारात्मक विचारों